गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप पिछले वीडियो में देखे रहे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए गए थे, तो उसी में थोड़ा सा और बढ़ते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल पीक्यू राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू आपको दिया गया है पीआर बराबर 13 सेंटीमीटर और पीक्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट टेन पी माइनस कॉट आर। क्या फाइंड आउट करना है? tan p माइनस cot r। तो आपको पता है कि सबसे पहले तुमको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पता ही है आपको। देख लेते हैं कि हाइपोटेनियस मतलब कि pr का स्क्वायर इक्वल टू pq का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर, मींस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर। तो 169 माइनस इक्वल टू 144 प्लस qr स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, मीन्स इस 144 को इधर हमारा प्लस था, इधर आया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। देन माइनस करने में कितना आएगा? 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो 25 के ऊपर लग जाएगा रूट, और 25 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। तो ये आपका निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा p यहां पे है, तो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है उसके सामने वाली हाइट होती है नीचे वाली बेस। तो इसका मतलब हो गया 5/12। tan p की वैल्यू क्या हो गई? 5/12 माइनस cot r। cot r तो r यहां पे है, ठीक। तो यहां पर r है तो इसके सामने की हाइट भी, ये हमारा बेस हुआ। तो इसका क्या होता है cot का फॉर्मूला? बेस अपॉन हाइट। क्या होता है? बेस अपॉन हाइट मीन्स 5/12। क्या हो गया? 5/12। अब देखिए 5/12 माइनस 5/12 ये हो गया आपका सेम है नीचे डिनोमिनेटर, तो 5 माइनस 5 ये आ गया 0/12, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आप लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर मैं इतने क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे। आप इस तरह की क्वेश्चन लगाइए, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी साइंस के मैं सब आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन जो एक तरीके के क्वेश्चन है उनको आप बनाने का प्रयास करिए। और जो है कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि हाँ ये क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। ये चीजों को रिवाइज करिए, फिर और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। तब तक आप चीजों को रिवाइज करिए। दैट्स ऑल।